करके तो मम्मी पापा भी इसको प्यार नहीं करते। सो हमको रिक्वेस्ट आई एक हैंडीकैप कपल की, जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों हैंडीकैप हैं, और अपना घर चलाने के लिए ये इस सिचुएशन में होने के बाद भी मेहनत करना चाहते हैं और अपनी ट्राईसाइकिल में ही छोटा मोटा सामान बेचते हैं, और ये परिवार इतना परेशान है और इनके माँ बाप की आंखों में भी आंसू हैं। वो एजेड हैं, अगर उनको कुछ हो गया तो उसके बाद इन लोगों का कौन ध्यान रखेगा, क्योंकि दुनिया में तो आप जानती हैं कैसी सिचुएशन है, लोग किसी को तो पूछते ही नहीं है। तो बहुत परेशानी में परिवार था, हम इनसे मिलने गए, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने जो किया वो ज़रूर देख के आपको अच्छा लगेगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों को ऐसी मोटिवेशन मिले लोगों की हेल्प करने के लिए। कि बचपन से हैंडीकैप है दोनों जी। पोलियो जी। पोलियो है जी। 70% है जी। अच्छा भैया 70 है, वो उनकी वाइफ 95% हैंडीकैप। इस सिचुएशन में स्टिल इज वर्किंग प्रीटी हार्ड, इसी पे छोटा मोटा अपना सामान लेके रोड पे बेचते हैं। देखिए मेहनत करना चाह रहे हैं। कौन सी मार्केट में जाके बेचते हो? नवी मार्केट पास में ही है, गाजियाबाद में है ना? सर इसी रेडी में बेचता हूँ मैं अपना सामान। तो एक ही जगह लगाते हो या फिर घूमते रहते हैं? एक ही जगह पे लगाते हो। इस एरिया के तो लोग आपको फिर जानते होंगे मतलब? जी सर। आइए आइए। क्या हुआ है? यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। आज तो हम कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में किसी का आस्तिक नहीं रहे, ये बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। अब दूसरी बेटी लाए हैं जी, तो जी। उस बेटी को भी परेशानी ना हो, ये आगे कामयाब हो जाएंगे हमारे रहते हुए, तो हमारी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। इसके तो मम्मी पापा भी इसको नहीं देखते है? इसके तो मम्मी पापा भी इसको प्यार नहीं करते। तो यहाँ माताजी जिसके बारे में कह रही हैं वो इनके बेटे की वाइफ के बारे में कह रही हैं, बिकॉज वो भी हैंडीकैप हैं, वो भी 90% हैंडीकैप होने की वजह से। हमारे लिए तो चौथी बेटी आ गई, आगे जिंदगी में बच्चों को दुखना पड़े बस। मैं रोजगार बनाने के लिए खोखे की खोखा चाहिए यार, कोई मुझे शॉप अप्लाई हो जाए तो बहुत धन्यवाद। क्या एज है अभी आपकी? सर 32 32 साल की। अच्छा अभी बेबी नहीं है आप लोगों का ना? नहीं अभी सर 1 साल हुआ है। अच्छा 1 साल हुआ है। के लिए मैं अपने उस पर खड़ा होना चाहता हूँ। अब ये अब मम्मी पापा जी भी बीमार रहते हैं, कब तक हमारा साथ देंगे? अब आगे मैं ये चाहता हूँ कि किसी की जो मुझे हेल्प मिल जाए, तो मैं कभी परेशान ना रहूँ, ना मेरे वाइफ रहे। सर बस मुझे यही है कि खोखा अप्लाई हो जाए, कहीं मुझे थोड़ी सी मदद मिल जाए। बस सर मैं ये चाहता। अभी आप जो व्हील चेयर में ट्राईसाइकिल में करते हो उसकी जगह दुकान हो जाए आपकी? जी सर। वो जो नवी मार्केट में? जी सर। इसकी जगह को दुकान हो जाए, मैं चाहता हूँ मेरा रोजगार बढ़ जाए। अभी मेरे को 3 दिन पहले ही मिला था भाई। अच्छा। होता हुआ जा रहा था, तो ये कह रहा है कि भैया मैंने जैसे उससे देखा था, मैंने भी कैसे रो रहा है, कह लगा भैया ऐसा ऐसा मैं परेशान हूँ, मैं जा रहा हूँ मरने के लिए। अच्छा ठीक है। तो मैंने इसे समझाया, मैंने कि तू भी क्या बात होगी, मैंने तो घर में ऐसी बातें तो होती रहती है, मैंने कि ऐसा करने लगा तो ऐसे तो भाई दुनिया में इतने बहुत बतेरे ऐसे पड़े हैं, मैंने ऐसा नहीं होता, मैंने चल मैं देखता हूँ, मैंने सर से मैं वीडियो देखता हूँ ना, मैंने सर से हेल्प मांग के देखता हूँ फिर मैं कोशिश करता हूँ। फिर मैंने इसे समझाया, फिर से मैंने भेज दिया। क्यों? मतलब क्या हो गया ऐसा? सर वही पैरों को लेकर अपनी मजबूरी है। अच्छा ये जो शारीरिक कंडीशन है उससे? हाँ जी। और संग में सर मैडम जो वाइफ है, वाइफ 1.5 साल हुआ है, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, सही घर वाले के ऊपर कब तलब बोझ रहना। तो आप सुबह निकल जाते हो अपने ट्रैफिक? कितने बजे? 9 बजे? जी सर 9। शाम को कितने बजे आते हो? 7:30 बजे। अच्छा जी। मिल लिए भैया से, नवी मार्केट है यहाँ पे, वहाँ लगाने के लिए कह रहे हैं, एक बार जगह हम देख लेते हैं। बस अड्डा बहुत नज़दीक है सर गाजियाबाद का, उसके पास में ही लोकेशन है जो बता रहे हैं जहाँ लगाना है। बस स्टैंड, ओल्ड बस स्टैंड गाजियाबाद, पुराना बस अड्डा यहीं से जाते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन बस स्टेशन गाजियाबाद, ये बस स्टेशन है इसके पास। ये बस स्टेशन, बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे मार्केट है, फोटो कॉपी मोबाइल शॉप, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए काफ़ी रश है यहाँ पे, बहुत रश है। और ये जहाँ लगाना है इसके जस्ट आगे MCD नगर निगम गाजियाबाद की ऑफिस है ये, है ना? ये नगर निगम की ऑफिस है, देखो यहीं लगाना है इनको शॉप अपना।
नगर निगम है और सामने ही पोस्ट ऑफिस है, ये देखो गाजियाबाद का लोकेशन तो बहुत अच्छी है, है ना, बाजार है, मार्केट है, चौराहा है, बस स्टैंड है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। तो चलिए देखते हैं। सो उस दिन आपने देखा था उस फैमिली से मिले थे, आज 7 से 10 दिन के बाद हम लोग तैयार हैं, पूरी तैयारी के साथ सारी तैयारियां हो चुकी हैं दुकान वुकान की, चलते हैं एक और परिवार की जिंदगी में खुशियां लेके आते हैं। यस बॉस, पहुंच गए ऑलमोस्ट फ्रॉम दिल्ली टू गाजियाबाद, नेताजी इज बिहाइंड। नमस्कार। हाँ बस एक मिनट सर, मैं यहाँ स्ट्रेट जाना है थोड़ा सा आगे। पहुंच गए हम लोग गाजियाबाद नगर निगम की बिल्डिंग के अपोजिट पोस्ट ऑफिस। और कैसे हो? सर बढ़िया है। ओह कितना ट्रैफिक है देखिए, तो गाड़ी लाना ही मुश्किल है यहाँ पे। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग हुक्का इनका इस चौक पे, इसकी गूगल मैप की लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको आना। राइट, सो आवर शॉप इज हियर, दुकान आ गई है, इसको हम उतारते हैं पहले, उधर लगा देंगे फिर उतार के। ये दुकान की जगह है, इसके पीछे ये नगर निगम की बिल्डिंग है, नगर निगम की बिल्डिंग है पीछे, ये दुकान की जगह है, और इस तरफ पुराना बस अड्डा है गाजियाबाद का, सामने नगर निगम की बिल्डिंग, उसके पीछे पोस्ट ऑफिस। ब्यूटीफुल एरिया, ट्रैफिक बहुत है इस एरिया में। अब सजाते हैं दुकान। नमस्ते, कैसे हो? बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल फैमिली है जी, अमेरिका में रहती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इनका, बहुत बहुत धन्यवाद सर इनका, बच्चों को इतना अवसर दिया आगे बढ़ने का, भगवान उनको खुश रखे, उनके फैमिली को खुश रखे। और बस अब सजाने की बारी आती है हमारी, बहुत अच्छी जगह है ये, किसी को मिलने आना तो आ सकता है। चलिए सजाएं हम। ये हमारे संदीप सर हैं जो ये हमारे भैया की हेल्प कर रहे हैं, और ऐसी आगे तरक्की करें और गरीबों की हेल्प करें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। तबीयत खराब हो गई थी कल, पहले ग्राहक भी आ गए, दुकान देख के ग्राहक भी आना शुरू। एंड विद दैट ब्यूटीफुल शॉप इज रेडी, देखिए लबालब भरी हुई है। चलिए सो आवर शॉप इज रेडी, बुला लो उनको, बुलाइए माता जी। ओह ही इज कमिंग। आइए मेहरबान, आप लोगों की दुआ से बने हैं सर। हाँ अब आप दुकान के मालिक हैं। आप मालिक हैं। आ जाओ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, आपने इतना सहयोग दिया, इस रास्ते पे लेके आए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चा आगे, इसकी वाइफ भी आगे, इसके सहारे बढ़ जाएंगी, इनकी जिंदगी बन जाएगी। जिन्होंने ये हमारे लिए दिया, उनको पाटिल परिवार है, अमेरिका में रहता है जी, उन्होंने भिजवाया जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों के लिए, आगे तरक्की करते रहे वो भी और आप भी, और हम जैसे भाइयों के लिए और बहुत तरक्की करते हैं, और आपको भी खुशी मिला जिन्होंने हमारे लिए ये करा, उनको पूरा सहयोग मिलना चाहिए, ऊपर वाला उनकी दुआ। और ये जो दुकान है, दुकान के साथ सामान है, और एक चीज और है आपके लिए, राशन भी आपके लिए महीने भर का इस तरफ रखा हुआ, देखो जी इस तरफ रखा हुआ है, ठीक है, ये राशन है पूरा महीने भर का, इसमें जो एक घर की जरूरत होती है ना राशन में, आटा चावल जरूरत होती है, आटा चावल तेल दाल नमक चीनी, वो राशन में वो सब कुछ है, ठीक है, ताकि आप उससे घर चलाओ, राशन में पैसे ना खर्चो, दुकान से कमाइयो, आगे बढ़ो जिंदगी में, इसलिए मतलब हर तरीके से हम लोग सोच जी सर ने जी सर, उन्होंने इतनी तरक्की दी, उनके घर में खुशियाँ बढ़ते थे भरे रहे, उनका कारोबार इतना अच्छा चला, जो आगे के लिए भी और भी करें बढ़िया। तो ग्राहक आए अभी सरप्राइज खत्म थोड़ा ना, एक सरप्राइज और है।
ये क्या है? कुछ पैसे भी हैं। लीजिए, ये लक्ष्मी आपके जीवन में खूब लक्ष्मी लेकर आए आपकी दुकान में, इसलिए है ये। इस तरह से हम जी करना चाहते हैं कि आपके जीवन में मतलब कोई प्रॉब्लम ना है। जी सर, आपको सोचना ना पड़े कुछ। जी, अब हम ऐसी मदद करना चाहते हैं। अब मैं अपने वाइफ का भी इलाज करा सकता हूँ, डॉक्टर ने रसूल बताइए और ऑपरेशन बोल रखा है। अब तो जरिया मिल गया है कमाने का, पहले 100-150 रुपए कमाता था, अब गम बढ़ जाएगी। सही बात, 15,000 रुपए, ठीक है। ये 15,000 रुपए नयाना और जय शाह जी की तरफ से हैं, जो USA में रहते हैं, अमेरिका में। पैसों की हेल्प की है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी फैमिली खुश रहे, उनको आगे तरक्की दे भगवान, उनको खूब रोजगार में उनकी तरक्की हो। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ठीक है, चलिए फिर आप आगे बढ़ो, कारोबार अपना बढ़ाओ आप। लेकिन सर आते रहना, हम एक महीने में देखने आएंगे कैसा चल रहा है काम, फॉलो अप करने आएंगे। जी सर, और उम्मीद करेंगे अगली बार आओगे आपके चेहरे पे खुशी रहेंगी, जीवन में अच्छा ही होगी। ठीक है जी, चलो मेहनत करो, मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, किसी को मिलने आना। ठीक है, काम करो, मेहनत करो, मिलते हैं फिर दोबारा। कस्टमर आ रहे हैं, हमने ज्यादा टाइम ले लिया है, बट एक और शॉप हो गई और थैंक्स भैया का, भैया का तो नाम भूल गया, क्या नाम है? कुणाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा मौका दिया हमें सेवा करने का। और ये लोकेशन पे शॉप खुल गई है, पीछे गाजियाबाद का नगर निगम है, ये इसकी लोकेशन है, यहाँ मिल जाएगी। ठीक है फिर नेताजी। हाँ जी, बड़े से अगले सफर की और बड़े। हाँ मैं बता देना, हम दोबारा पहुँच जाएंगे इन्हीं 2-3 चीतों के साथ हमारे। चलिए, मुस्कुराते हुए चेहरे, चलिए बस बस, अच्छी लोकेशन पे खुला है, इनका काम आगे चले, जीवन में खुशियां आए, हम तो यही चाहेंगे। ठीक है, अब करो, हम बढ़ते हैं। फोटो मेरे संग ले लो, अच्छा ले लो। चलो ठीक है, नमस्कार अंकल, थैंक यू सर, चलो चलिए जी। मैं अपने उम्र जितने को मेरे बारे में कुछ भी जाने के चलिए जी, ये शॉप खुल गई यहाँ पे, बहुत खुश हैं, देखा आपने, एक और परिवार के जीवन में खुशियाँ आई हैं, एंड दे वर इमोशनल। और पिछली बार देखा आपने कि मतलब कितने दुख होते हैं जीवन में, लेकिन बस हमारी कोशिश यही रहती है कि ऐसा कुछ सपोर्ट किया जाए, ऐसा सहारा दिया जाए और उनको मोटिवेट किया जाए, ऐसा जरिया दिया जाए जो लॉन्ग टर्म में उनके काम आए। और जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं स्पेशली, उनके लिए तो हमारा फोकस ज़्यादा होता है, बिकॉज कुदरत ने ऐसा उनको बनाया है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जिनके अंदर जील होती है मेहनत काम करने की, उनको सहारा देना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिसको मिलने आना हो इनसे, वो आ सकते हैं मिलने, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी लिखते हैं कि ये तो ऐसी है, हेल्प नहीं करते, हमने भी मैसेज किया बट हमारी हेल्प नहीं हुई, तो किसी की हेल्प नहीं करते। ऐसा नहीं है, जहाँ तक हमारा जहाँ तक रीच है हमारी दिल्ली के आसपास, वहीं तक कर पाते, और हर किसी की हेल्प कर पाना वैसे भी मुश्किल है ना, मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा सपोर्ट हो हमारे को गवर्नमेंट और ये सब तो, बट जहाँ तक हमारी कोशिश रहती है पहुँच पाए हम लोग, करें जितना हो सकता है, सबको करना चाहिए काम, तो पुण्य काम है, तो ऐसे करते रहेंगे हम लोग। इसको मिलने आना, डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप की लोकेशन आ सकते हैं मिलने के लिए, और हम मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद।